हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा बुरर। बेटा हम कर रहे हैं क्या यहाँ पे, कस्टम्स का रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक दो चैप्टर्स कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का चैप्टर है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर टू का ही जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हम यहाँ पे हम ये डिस्कशन जो कर रहे हैं समरी बुक से कर रहे हैं। ये समरी बुक आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको डाउनलोडिंग में कोई इश्यू आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का पार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बेटा क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? हमें डिटरमाइन करना है हेडिंग या सब हेडिंग सी कस्टम टैरिफ एक्ट की, जिसमें कोई पर्टिकुलर गुड्स यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, मैंने गुड्स इंपोर्ट करी, अब मैं क्या रेट लगाऊं ड्यूटी का, क्या लगाऊं रेट ऑफ ड्यूटी? तो बेटा वो डिपेंड करेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन सी हेडिंग में, कौन सी सब हेडिंग में आपका गुड्स फॉल कर रहा है, आपका गुड्स फॉल कर रहा है, और उसके हिसाब से क्या होगा बेटा यहाँ पे आपको कस्टम यहाँ पे रेट मिलेगा जिस रेट पे आपको ड्यूटी लगानी है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम एक एक चीज देखेंगे, पहले दो तीन चार्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम टैरिफ जो है एक्चुअल उस पर भी जाएंगे। शेड्यूल्स, दो शेड्यूल है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाले चैप्टर में भी दो शेड्यूल है। शेड्यूल वन इज फॉर इंपोर्टेड गुड्स, शेड्यूल टू इज फॉर एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट गुड्स के बारे में जो बताता है वो शेड्यूल टू है, इंपोर्ट के गुड्स के बारे में जो रेट्स बताता है वो कौन सा है, शेड्यूल वन है। ये दो शेड्यूल्स है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में, जहां पे रेट ऑफ ड्यूटी दिए हुए हैं। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा, ये हम किस पे बेस्ड है, ये हमारा HSN पे बेस्ड है। HSN यहाँ पे हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, ये एक सिस्टम है नाम और नंबर का, गुड्स को प्रोडक्ट यहाँ क्लासिफाई करने के लिए नेम एंड नंबर का एक सिस्टम है। ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और हमने इसी को अडॉप्ट किया। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बट हाँ, हमने इसको अडॉप्ट किया है। इसमें 21 सेक्शंस है, शेड्यूल वन की बात करेंगे जो कि इंपोर्ट टैरिफ का है। ठीक है, उसमें 21 सेक्शंस है और 98 चैप्टर्स है। 21 सेक्शंस जो है वो 98 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, फिर उसमें हेडिंग है, सब हेडिंग है, टैरिफ आइटम आपको मिलेगा, आपको कैसे क्लासिफाई करना है। अब मैं एक बार जाऊंगी टैरिफ पे, देखो बेटा ये टैरिफ है हमारा जैसे। ठीक है, तो जैसे आप यहां देख सकते हो इंपोर्ट टैरिफ हम देखेंगे, इंपोर्ट टैरिफ देखेंगे। तो इंपोर्ट टैरिफ में बेटा जैसे मैंने बताया कितने सेक्शंस है, यहाँ सेक्शन वन से शुरू होगा, तो ये आप यहां तक के आएंगे सीधे यहाँ पे सेक्शन नंबर 21 तक के, सेक्शन नंबर 21 तक के ये देखो। एंड चैप्टर्स हमारे कितने, ये चैप्टर 98 तक के स्टार्ट करेंगे। ये देखो यहां से पूरा ये सेक्शन, ये मैंने डाउनलोड किया है सीबीआईसी की वेबसाइट पे, आप देख सकते हो इंपोर्ट टैरिफ है जहां पे 21 सेक्शंस है जो कि डिवाइडेड है। ये देखो 21 सेक्शंस है जो कि डिवाइडेड है पूरे 98 चैप्टर्स में, ये आप देख सकते हो चैप्टर 50, 51 सो ऑन। एंड यहां से लेकर ऐसे चैप्टर इंपोर्ट में कितने हैं बेटा, 98 चैप्टर्स है, 98 चैप्टर्स है और 21 सेक्शंस है। अब मैं एक चैप्टर के अंदर जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चैप्टर नंबर वन है, चैप्टर नंबर वन किससे रिलेटेड है, सेक्शन वन इज फॉर लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चैप्टर वन इज रिलेटिंग टू लाइव एनिमल्स। अब जब मैं यहाँ पे इसे ओपन करती हूँ तो ये देखेंगे यहाँ पे आ गया आपका हर एक सेक्शन का, हर एक सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ सेक्शन है, इसका नाम दिया हुआ है, फिर ये सेक्शन के नोट्स है, सेक्शन नोट्स जिसे बोलते हैं, सेक्शन नोट्स जिसे बोलते हैं, डिटेल में भी सब पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। फिर ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर कौन सा हुआ, सेक्शन वन में फर्स्ट चैप्टर है लाइव एनिमल्स, लाइव एनिमल्स। सेक्शन वन में चैप्टर टू है मीट एंड एडिबल, एडिबल मीट ऑफल। चैप्टर थ्री है फिश एंड एंड ऑल दैट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सेक्शन में पांच चैप्टर्स है। देन सेक्शन टू वेजिटेबल का आता है, उसमें चैप्टर नंबर सिक्स से लेकर के तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 तक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब मैंने फर्स्ट चैप्टर खोला तो बेटा हर एक सेक्शन के बाद, जहां सेक्शन शुरू होता है चैप्टर का, हर एक सेक्शन के बाद में सेक्शन के नोट्स दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर जहां स्टार्ट होता है उस चैप्टर से रिलेटेड नोट है। सेक्शन का नोट एक ही बार आएगा फर्स्ट सेक्शन का, फिर चैप्टर जहां जहां शुरू होंगे वहां आएंगे, जब सेक्शन टू आएगा तब सेक्शन टू का नोट आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्शन नोट्स, दिस इज कॉल्ड एज चैप्टर नोट्स। उसके बाद बेटा ये हमारा एट डिजिट क्लासिफिकेशन होता है, एट डिजिट क्लासिफिकेशन होता है जिसमें फर्स्ट टू डिजिट्स आर व्हाट बेटा, हम यहाँ पे साथ में ओपन भी कर लेंगे, ये भी हमारा हो जाएगा। फर्स्ट टू डिजिट सॉरी फर्स्ट टू डिजिट जो आपके होते हैं वो क्या है बेटा, चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर है। तो ये अगर हम देखेंगे तो 01 इज व्हाट, चैप्टर नंबर 01 इज चैप्टर वन नंबर। नेक्स्ट टू डिजिट जो आपके होते हैं वो बताइए है क्या, हेडिंग नंबर, हेडिंग नंबर। सो नेक्स्ट यहाँ पे 01 जो है वो हुआ आपका हेडिंग नंबर। देन उसके बाद नेक्स्ट टू डिजिट जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके समय सब हेडिंग नंबर। एंड जो लास्ट टू डिजिट होते हैं बेटा वो आपके होते हैं क्या, टैरिफ आइटम, टैरिफ आइटम। सो फर्स्ट टू डिजिट्स आर व्हाट, 01 इज चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर वन की बात करें उसकी फर्स्ट हेडिंग है 01 लाइव हॉर्सेस एसेट एंड दिस। ठीक है, फिर ये 0101
आई मीन फर्स्ट यहाँ चैप्टर वन हेडिंग वन के अंडर क्या पे, यहाँ पे क्या आ गया आपके, आपके यहाँ पे आ गया सब हेडिंग और आपका जो भी आइटम है, जो आपका आइटम है टैरिफ आइटम। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं कि भाई यहाँ पे हॉर्सेस, हॉर्सेस फॉर पोलो आ रहे हैं, तो वो कहाँ पे क्लासीफाई होंगे, 0101 29 10, ये इसका टैरिफ आइटम, ये इसका टैरिफ आइटम है। ठीक है, अभी ये समझेगा डिटेल में, अभी देखते हैं हम, हमने स्टार्ट ही किया है। सो 21 सेक्शंस है जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले शेड्यूल वन किसके लिए, इंपोर्टेड गुड्स के लिए जैसे मैंने बताया, शेड्यूल टू एक्सपोर्ट गुड्स के लिए। 21 सेक्शंस है जिसमें 98 चैप्टर्स हैं, उसमें आगे हेडिंग, सब हेडिंग्स और टैरिफ आइटम है। अब एचएसएन क्या है बेटा, जैसे मैंने बताया हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम फॉर कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज एंड वॉज कन्विस्ड एंड डिवाइज बाई WCO। WCO ने क्या, क्योंकि भाई हो सकता है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग नाम हो, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है HSN। ठीक है, WCO ने बनाया है यहाँ पे ये। देन 8-digit suitable code for multipurpose nomenclature, यहाँ पे 8-digit code रहेगा। HSN can be relied for classification under tariff schedule if there is no conflict between Indian tariff schedule and HSN। बेटा HSN में और इंडियन के tariff के schedule में अगर conflict नहीं है तो HSN को हम adopt कर सकते हैं, but conflict है तो obviously हमारा tariff prevail करेगा। Relevance of notes, जैसे जो मैंने आपको दिखाया था section notes and notes और chapter notes, उसका बेटा legal status है, उसका relevance रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करूंगी। अगर मुझे यहाँ पे टैरिफ को इंटरप्रेट करना है, मुझे मतलब क्या करना है, हेडिंग और सब हेडिंग निकालनी कि भी मेरा पर्टिकुलर आइटम जो है वो किस हेडिंग में जाता है या किस सब हेडिंग में जाता है, तो इसमें दिए हुए 3 एक्सप्लेनेटरी नोट्स जिसका मैं यहाँ पे हेल्प ले सकती हूँ, और 6 रूल्स दिए हुए हैं। 6 रूल्स हैं विच इज कॉल्ड एज GRI, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट हमने ऑलरेडी देख लिया। बेटा क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, मुझे डिटरमाइन करना है भाई हेडिंग सब हेडिंग यहाँ पे टैरिफ की जिसके अंदर मेरा गुड्स कवर हो रहा है, जिसके अंदर मेरा गुड्स कवर हो रहा है। अब बेटा जब मैं टैरिफ खोलती हूँ, टैरिफ खोलती हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ 5 कॉलम दिए हुए, ये इंपोर्ट का टैरिफ है। ठीक है, इंपोर्ट का टैरिफ है, यहाँ पे 5 कॉलम दिए हुए, एक्सपोर्ट के टैरिफ में 4 कॉलम्स रहेंगे, लास्ट वाला कॉलम प्रेफरेंशियल रेट का नहीं रहेगा। सो इंपोर्ट का टैरिफ है तो फर्स्ट टैरिफ आइटम रहेगा, फर्स्ट टैरिफ आइटम रहेगा मतलब 8-digit का डिस्क्रिप्शन है, 8-digit का डिस्क्रिप्शन है लाइक दिस। फर्स्ट इज व्हाट टैरिफ आइटम, टैरिफ आइटम कि भाई मेरा यहाँ पे चैप्टर नंबर क्या है, हेडिंग नंबर क्या है, सब हेडिंग नंबर क्या है, मेरा टैरिफ आइटम नंबर क्या हो रहा है, ये यहाँ पे टैरिफ आइटम में दिया हुआ है। सेकेंड आपका कॉलम है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का, सेकेंड कॉलम इज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दैट इज नेम एंड क्लासिफिकेशन, नाम क्या है आपके गुड्स का, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो कहां पे आएगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। देन इज यूनिट, किलोग्राम में, मीटर में, यूनिट में, लीटर्स में, वॉट एवर जो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, यहाँ पे यूनिट में रहेगा। देन रेट ऑफ ड्यूटी रहेगा स्टैंडर्ड विच इज अ नॉर्मल रेट जो लगेगा, प्रेफरेंशियल एरिया से बुलाएंगे तो प्रेफरेंशियल रेट लगेगा, प्रेफरेंशियल एरिया से बुलाएंगे तो प्रेफरेंशियल रेट लगेगा। तो ऐसे 5 कॉलम्स होते हैं बेटा इंपोर्ट टैरिफ में। एक्सपोर्ट टैरिफ के केस में 5th कॉलम नहीं होता प्रेफरेंशियल रेट का, एक्सपोर्ट टैरिफ के केस में फर्स्ट 4 कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट 4 कॉलम्स होते हैं। सो देर आर 5 कॉलम्स इन द टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ, द फर्स्ट इज व्हाट बेटा टैरिफ आइटम दैट इज व्हाट 8-digit डिस्क्रिप्शन, द सेकंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दैट इज द नेम एंड क्लासिफिकेशन हियर, देन थर्ड इज यूनिट दैट इज यूनिट कुड बी एनीथिंग किलोग्राम units etc. Then rate of duty, whatever is the rate of duty that will be specified, and if you have imported from preferential area the preferential rate of duty would be applicable, in case of exports there is no preferential rate of duty। ठीक है, then there is 8-digit classification beta, मतलब कि ये 1701 11310, first 2 numbers are what, chapter number, then there is a heading number, then subheading number, and the last 2 digits are what, tariff items, tariff items। ठीक है, very easy chapter beta this is। Standard unit of quantity, it is a unit used to facilitate the collection of comparison and analysis of trade statistics, so the unit of quantity, and then section notes and chapter notes, as I have told you at the starting of every section there are section notes, at the starting of every chapter there are chapter notes which have a legal status। So elaborate explanation regarding scope of respective section or chapter is given there, it is a part of status statute and legally used for classification। At the beginning of sections section notes are given, at the beginning of chapters chapter notes are given। ठीक है, so ये हमारे कुछ important points हुए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बेटा 2 टाइप के यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे एक तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए हुए हैं, 3 एक्सप्लेनेटरी नोट्स है जिसको हम यूज करेंगे, और 6 रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन है। ये इंटरप्रिटेशन के रूल्स हम क्यों यूज करेंगे, टैरिफ को इंटरप्रेट करने के लिए, टैरिफ को इंटरप्रेट करने के लिए। सो देर आर 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल, दे आर फर्स्ट बेटा डैश सिस्टम, सेकंड एब्रीवेशन, थर्ड इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी इफ नो प्रेफरेंशियल रेट इज गिवन। सो हियर डैश सिस्टम मतलब क्या, ये देखो आपको यहाँ पे ये डैशेस दिख रही है,
ये बेटा टैरिफ ही ये डाउनलोड किया हुआ, ठीक है आप देख सकते हो सीबीआईसी की वेबसाइट में कस्टम्स के सेक्शन में टैरिफ में मिल जाएगा आपको। ये डैश दिख रही है आपको, तो सबसे पहले ये डैश सिस्टम को समझेंगे कि भाई डैश सिस्टम क्या है। सिंगल डैश मीन्स इट इंडिकेट्स सब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल कवर्ड इन अ हेडिंग। सिंगल डैश मतलब कि भाई जो मेरी हेडिंग है उसका सब क्लासिफिकेशन, उसका सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो लाइव हॉर्सेस, एसेस, मूलेस एंड एनिमल्स का सब क्लासिफिकेशन सिंगल डैश से क्या किया, हॉर्सेस किया। उसके बाद में डबल डैश इंडिकेट सब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल प्रिसीडेड बाय सिंगल डैश। जो सिंगल डैश से यहाँ हॉर्सेस है उसके अंडर पे बेटा क्या आएगा आपके यहाँ पे, देन फिर ये सारे जो आ गए ये डबल डैश वाले जो हो गए, ये क्लासिफिकेशन किसका है यहाँ पे, सिंगल डैश का क्लासिफिकेशन है, सिंगल डैश का सब क्लासिफिकेशन। एंड ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल डैशेस इंडिकेट सब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल प्रिसीडेड बाय सिंगल और डबल डैश। जो सिंगल और डबल डैश है उससे, जैसे कि दिस हॉर्सेस फॉर पोलो अदर, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट बेटा, अदर हियर, ठीक है। तो ये हमारे डैश सिस्टम है जिसको फॉलो करते हैं। देन एब्रीवेशन इट इंडिकेट्स द ड्यूटी इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। यहाँ पे बेटा ये जो है ये एब्रीवेशन परसेंटेज का, यहाँ पे ड्यूटी इज ऑन व्हाट, वैल्यू ऑफ द गुड्स। एंड देन स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल इफ नो प्रेफरेंशियल रेट इज गिवन इन एनी एंट्री, इफ नो प्रेफरेंशियल रेट हैज बीन नोटिफाइड द स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी शैल बी एप्लीकेबल। तो जहां पे भी प्रेफरेंशियल रेट नोटिफाई यहाँ पे दिए हुए नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगा, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगा। तो तीन एक्सप्लेनेटरी नोट्स है जो कि टैरिफ को समझाते हैं। एक तो डैश सिस्टम हो गया, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश एंड ऑल दिया हुआ है वहां पे। देन एब्रीवेशन परसेंटेज का मतलब हो गया कि भाई वैल्यू पे लगेगा वो परसेंटेज, और स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा अगर प्रेफरेंशियल रेट नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। ये तो हो गए हमारे तीन एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स विच इज कॉल्ड इज। नाउ बेटा देयर आर सिक्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सिक्स रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के जो कि हम पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं बेटा, मैंने इस चैप्टर में थोड़े बहुत चेंजेस किए टाइप्स ऑफ ड्यूटी में भी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में भी। तो जो समरी बुक है उसमें ओल्ड चैप्टर आपके पास हो सकता है, अभी अपडेटेड समरी बुक भी अवेलेबल है। सेकेंडली आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, यहाँ पे लिंक में मैंने पीडीएफ यहाँ पे अपलोड किया है चैप्टर नंबर 2 का, आप वो डाउनलोड कर सकते हो और वहां से ये पढ़ सकते हो। सिर्फ एक ही चैप्टर में मैंने चेंज किया है, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है। अब सबसे पहले तो भाई ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्यों बनाए गए, क्या क्या है ये, इसका पर्पस क्या है? तो बेटा हेल्प करता है ये एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन में। अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, मेरे को भाई क्लासिफिकेशन ही करना है, तो क्या क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है मुझे, टू गिव क्लियर डायरेक्शन हाउ द नॉमेनक्लेचर इन शेड्यूल टू बी इंटरप्रिटेड। जो नॉमेनक्लेचर्स है बेटा शेड्यूल्स में, जो भी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर्स है नाम है, उनको कैसे इंटरप्रेट करना है वो ये हमको रूल्स बताते हैं। एंड टू गिव स्टैचुरी फोर्स टू द इंटरप्रिटेशन रूल्स एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये दोनों पे अप्लाई होते हैं बेटा। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पर्पस जो है आपके, ये जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे भी अप्लाई होते हैं और ये जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो स्टैचुरी फोर्स देते हैं ये रूल्स, ये जो है ना बेटा ये क्या देते हैं, ये स्टैचुरी फोर्स देता है। सो अब देखेंगे रूल बाय रूल। अब रूल इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, टाइटल्स ऑफ सेक्शन चैप्टर्स ऑफ ईज ऑफ रेफरेंस एंड डू नॉट डिसाइड क्लासिफिकेशन, टर्म्स ऑफ हेडिंग सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स आर रेलेवेंट। तो इन्होंने क्या बोल दिया भाई, जो टाइटल दिया हुआ है वो सिर्फ आसानी से आप लोकेट कर पाओ, चीजें आसानी के लिए दी हुई है, उससे क्लासिफिकेशन नहीं होगा। क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से करना है आपको, क्लासिफिकेशन के लिए क्या रिलेवेंट है, टर्म्स ऑफ हेडिंग सेक्शन के नोट्स चैप्टर के नोट्स। जैसे कि मैं जाऊंगी अब बेटा यहाँ पे सेक्शन 1 चैप्टर 1 लाइव एनिमल्स का जो हम देख रहे थे, तो यहाँ पे जो ये क्या बोल रहा है टाइटल, यहाँ जो टाइटल है जैसे कि लाइव एनिमल इज अ टाइटल, ठीक है। टाइटल ऑफ सेक्शन और चैप्टर, सेक्शन का भी और चैप्टर का भी जो टाइटल है उस पे मत जाना, वो क्लासिफिकेशन डिसाइड नहीं करता। क्या चीजें देखना है आपको, यहाँ उन्होंने बोला कि भाई ये जो सेक्शन के नोट है, हर सेक्शन के स्टार्टिंग में सेक्शन नोट होते हैं, ये जो सेक्शन के नोट है, ये जो चैप्टर के नोट है, ये रेलेवेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। किसको किसको ध्यान रखना है, टर्म्स ऑफ हेडिंग को ध्यान रखना है, सेक्शन चैप्टर नोट्स को ध्यान रखना है, वो रेलेवेंट है। जैसे कि नाम क्या दे दिया भाई, नाम आपने लाइव एनिमल्स दे दिया, नाम आपने लाइव एनिमल्स दे दिया। अब मैं चैप्टर का नोट यहां पढ़ती हूँ, यहाँ क्या लिखा है, दिस चैप्टर कवर्स ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट फिश। अरे फिश तो लाइव एनिमल है, फिर यहाँ तो मैं हेडिंग पे अगर जाती तो मैं ले लेती, क्लासिफाई कर लेती, बट उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ ईज ऑफ रेफरेंस के लिए, क्लासिफिकेशन डिसाइड नहीं करता बेटा। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें सेक्शन का नोट पढ़ना है, चैप्टर का नोट पढ़ना है, टर्म्स ऑफ हेडिंग हमको समझना है, ठीक है। सो ईजी है रूल नंबर 1, कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या बोला भाई, इनकम्प्लीट गुड्स है, अनफिनिश गुड्स है, आप उसे क्या मान सकते हैं, कंप्लीट गुड्स मान सकते हो, कंप्लीट गुड्स मान सकते हो, या डिसअसेंबल्ड फॉर्म में है गुड्स या अनअसेंबल्ड फॉर्म में है गुड्स, उसको कंप्लीट गुड्स के जैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, कंप्लीट गुड्स के साथ जैसे क्लासिफाई किया जा सकता है।
ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेजेंटेड इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स हैज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई मेरा जो इनकम्प्लीट गुड्स है, अनफिनिश्ड गुड्स है भाई, वो पूरा ही तैयार है, वो खाली क्या है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग रह गई है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, या थोड़ा बहुत कंप्लीट होने का रह गया, मतलब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो ही गया है। जैसे कि कार है भाई, बिना सीट की कार है तो भी उसे कार जैसे ही क्लासिफाई करेंगे, कार जैसे ही क्लासिफाई करेंगे। रेलवे के कोचेज हैं, उनकी सीट्स रिमूव कर दी गई है, फिर भी उन्हें रेलवे कोचेज भी बोलेंगे। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट गुड्स है, अनफिनिश्ड गुड्स है, मतलब डिसअसेंबल गुड्स है, अनअसेंबल गुड्स है, क्या माना जाएगा बेटा, उनको क्लासिफाई किया जाएगा एज अ कंप्लीट गुड्स, एज अ कंप्लीट गुड्स। अब Any reference to material substance includes mixture or combination of that articles with other. तो यहाँ पे कोई material substance है, उसमें क्या माना जाएगा, उसका mixture combination थोड़ा बहुत कुछ और का भी है तो भी उसे माना जाएगा, तो भी उसे माना जाएगा। So, for example, coffee will include coffee mix with shishori. Natural rubber will cover mixture of natural and synthetic rubber. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, mixture combination अगर आता है तो उसे भी reference दिया जाएगा क्या मेन आर्टिकल का, और वहां पे उसे मटेरियल सब्सटेंस का, और वहीं पे उसे क्लासिफाई किया जाएगा। बट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन वन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस शैल बी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। अब भाई मैंने यहाँ पे मिक्सचर का निकाला, अब दो तीन जगह अलग अलग क्लासिफाई हो रहा है, तो फिर यहाँ पे रूल 2B से आंसर नहीं आ रहा है, तो भाई नीचे आ जाओ, रूल 3 पे आ जाओ। तो रूल 2 क्या बोलता है बेटा, दो चीजें मेन बोलता है रूल 2 की। ए पॉइंट बोलता है इनकम्प्लीट, अनफिनिश्ड, अनअसेंबल्ड, डिसअसेंबल्ड गुड्स को आप क्लासिफाई करोगे कंप्लीट गुड्स के हिसाब से, और यहाँ पे किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस में क्या इंक्लूड किया जाएगा, उसका मिक्सचर और कॉम्बिनेशन। बट अगर इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दो तीन जगह क्लासिफाई हो पा रहा है, तो फिर रूल 3 पे आ जाओ, रूल 2 भी यहाँ पे आपको आंसर नहीं दे रहा है, तो रूल 3 पे आ जाओ। सो इफ प्राइमा फेसी गुड्स आर क्लासिफाइबल अंडर 2 और मोर हेडिंग अकॉर्डिंग टू ड्यू टू रूल 2B और एनी अदर रीजन, किसी भी रीजन से रूल 2 से उसको आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या रिप्लाई करेंगे, 3-2A लगाएंगे, 3-2A लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 3A लगाएंगे, 3A क्या बोलता है, 3A बोलता है प्रेफर स्पेसिफिक हेडिंग टू जनरल हेडिंग। 3A ने बोला कि भाई स्पेसिफिक कुछ चीज दी है, उसको आपको जनरल हेडिंग। क्या हो रहा है भाई, मेरा प्रोडक्ट अगर बराबर क्लासिफिकेशन पता होता तो बात ही नहीं है। अभी क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट क्या, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ भी क्लासिफाई हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो फिर क्या, तो फिर भाई स्पेसिफिक को प्रेफर करो, स्पेसिफिक को प्रेफर करो। जैसे कि नेम प्लेट है, अब नेम प्लेट को मैं क्या मानू, मेरी गाड़ी के ऊपर ये नेम प्लेट है, एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल मानू या पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक मानू, आपको भी पता है एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल, क्यों स्पेसिफिक रूल, आपने अपने आप ही लगा लिया, अपने आप ही लगा लिया, क्या है ये, प्रेफर स्पेसिफिक हेडिंग टू जनरल, ऐसे वर्ड्स यूज करने बेटा एग्जाम में। वीआईपी का बैग है, प्लास्टिक का आर्टिकल बोलूं कि मैं सुटकेस बोलूं, मैम सुटकेस है यार, तो सुटकेस के तरह क्लासिफाई करेंगे, क्यों, वी हैव प्रेफर्ड स्पेसिफिक ओवर जनरल, वी हैव प्रेफर्ड स्पेसिफिक ओवर जनरल। सो हाउएवर कंपोजिट और मिक्स्ड और कंपोजिट गुड्स और आइटम इन सेड ईच हेडिंग शैल बी रिकॉर्डेड एज इक्वली स्पेसिफिक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हर एक हेडिंग इक्वली यहाँ पे स्पेसिफिक हो रही है भाई, यहाँ पे इस प्रिफर स्पेसिफिक की बात की तो सब कुछ स्पेसिफिक हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3A से आंसर नहीं आया, तो मैं कहाँ आऊंगी, 3B पे आऊंगी। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मल्टी मटेरियल क्लासिफाई इन दैट मटेरियल विच गिव्स देम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। 3B क्या बोलता है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। 3A क्या बोलता था, प्रेफर स्पेसिफिक ओवर जनरल। तो 3B ने क्या बोला, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। बुक आई भाई यहाँ पे, कोई एक बुक आई और वो बुक हमने खरीदी और उसके साथ कुछ एक CD आई, उसमें PDF वाली बुक है, तो अब इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई, मैम एज अ बुक ही करेंगे, एज अ बुक करेंगे। पेन स्टैंड खरीदा मैंने, बढ़िया पेन स्टैंड खरीदा, उसमें छोटी सी क्लॉक लगी हुई है, तो इस केस में एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पेन स्टैंड, इट विल बी क्लासिफाइबल एज पेन स्टैंड। अवेलेबल हेडिंग्स कौन सी थी, मेरे पास दोनों थी, पेन स्टैंड भी और क्लॉक भी, बट मैंने उसे कहां क्लासिफाई किया बेटा, पेन स्टैंड में किया, पेन स्टैंड में किया, ठीक है। तो 3A ने क्या बोला था, प्रेफर स्पेसिफिक ओवर जनरल, और 3B ने बोला भाई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो देता है। 3C बोलता है कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, लेटर द बेटर, लेटर द बेटर, कि भाई बोथ आर इक्वली स्पेसिफिक, दोनों इक्वली स्पेसिफिक आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा भाई, तो उस केस में उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे हम, प्रिफर द लेटर टैरिफ हेडिंग टू अर्लियर, लेटर वाली को, लेट जो आपकी एंट्री आ रही है वहां पे ले रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहाँ मीटर आ गया बेटा, मोटर कर लो, मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बोथ, पैसेंजर के लिए भी यूज हो रहा है, गुड्स के लिए भी यूज हो रहा है भाई, ये मोटर व्हीकल दोनों चीज के लिए यूज हो रहा है, तो हेडिंग तो दोनों बराबर है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी बराबर है, मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी बराबर है, तो फिर कौन सा लें, तो भाई टैरिफ में कौन सा बाद में आता है, तो 8703 वाली जो हमारी हेडिंग थी उसमें कौन आ रहा था, पैसेंजर वाला, 8704 में गुड्स वाला, तो क्या रूल है, लेटर द बेटर, लेटर द बेटर, तो हमने क्या ले लिया, इट शैल बी क्लासिफाइड एज
मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा का केस है बेटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का केस है। ये हो गया 3B। अब रूल फोर क्या बोलता है, अकिन रूल। भाई नहीं हो पा रहा है क्लासिफिकेशन, 2 लगा लिया नहीं हो रहा, 3 लगा लिया नहीं हो रहा, अभी क्या करना। तो भाई यहां पे गुड्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अबव रूल्स शैल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग एप्रोप्रिएट टू द गुड्स टू विच दे आर मोस्ट अकिन। तो जहां पे वो बहुत सिमिलरली फॉल हो रहे हैं वहां पे क्लासिफाई कर दो। मोस्ट अकिन यहाँ पे जो जहां बहुत क्लोजली एप्रोप्रिएटली यहाँ पे क्लासिफाई हो सकते हैं मोस्ट अकिन है, वहां पे आप क्लासिफाई कर दीजिए। नेक्स्ट बेटा रूल 5, क्लासिफिकेशन ऑफ, दो चीजों की बात करेंगे हम यहाँ पे। केसेस कंटेनर यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ गुड्स। भाई मैंने कैमरा खरीदा, साथ में कैमरे का केस आया, मैंने नेकलेस खरीदा, उसके साथ नेकलेस का केस आया, मैंने गन खरीदी, भाई ठीक है अगर मेरे पास लाइसेंस हो तो मैं खरीद सकती हूँ, तो उस केस में क्या हो गया, मेरे को गन का केस आया, कोई भी चीज मैंने खरीदी साथ में पैकिंग आती है, उसके केसेस आते हैं, कंटेनर्स आते हैं यहाँ पे, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई, वो मेन आर्टिकल के साथ ही करेंगे। कैमरे के केस को खरीदा तो कैमरे के साथ ही उसे क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है, सेपरेटली नहीं किया जाएगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बेटा व्हाट, केसेस कंटेनर्स यूज फॉर पैकिंग ऑफ गुड्स शैल बी क्लासिफाइड विद स्पेसिफिक आर्टिकल और सेट ऑफ आर्टिकल, दैट इज कैमरा केसेस, गन केसेस, नेकलेस केसेस, जैसे एग्जांपल दिया। फॉर यहाँ पे जनरल पैकिंग, अब पैकिंग की बात करते हैं हम, यहाँ शैल बी कवर्ड विद द मेन आर्टिकल, यहाँ पे जनरल पैकिंग भले से महंगी भी हो तो भी क्या होगा बेटा, वो मेन आर्टिकल के साथ ही क्लासिफाई होगी। स्पेशल पैकिंग भी कुछ होगी तो भी मेन आर्टिकल के साथ ही क्लासिफाई होगी। खाली दो एक्सेप्शन है यहाँ पे, खाली दो एक्सेप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट, ओके, दिस इज ड्यूरेबल, गलती से डबल आ गया, ड्यूरेबल कंटेनर केपेबल ऑफ रिपीटेटिव यूज शुड बी क्लासिफाइड सेपरेटली। जैसे कि एग्जांपल, गैस सिलेंडर कैन नॉट बी क्लासिफाइड अलोंग विद गैस। तो गैस का सिलेंडर बेटा मैं बार बार यूज करती हूँ, यहाँ पे ड्यूरेबल पैकिंग है, वो ड्यूरेबल कंटेनर है, ड्यूरेबल पैकिंग है, तो उसको क्या करना है आपको, उसको क्लासिफाई नहीं करना है आपको गैस के साथ में, उसका सेपरेट क्लासिफिकेशन होगा, सेपरेट क्लासिफिकेशन होगा। एंड वेन द पैकिंग मटेरियल इटसेल्फ गिव द एसेंशियल कैरेक्टर एज अ होल, या तो आपका पैकिंग मटेरियल खुद ही अपना पूरा एसेंशियल कैरेक्टर दे रहा है, तो उस केस में भी उसे सेपरेटली क्लासिफाई करना है। दो ही केस में, फर्स्ट इज ड्यूरेबल कंटेनर्स हैं आपके जो कि रिपीटेटिव यूज के लिए बार 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 यूज कर रहे हैं, या आपका खुद ही एसेंशियल कैरेक्टर दे रहा है क्या आपका पैकिंग मटेरियल इटसेल्फ, तो उस केस में क्या होगा बेटा, वो सेपरेटली क्लासिफाई होगा। अदरवाइज जनरल पैकिंग, स्पेशल पैकिंग, जो भी कंटेनर्स हैं, केसेस हैं, वो जो मेन आर्टिकल्स के साथ आए उससे क्लासिफाई कैसे करेंगे, मेन आर्टिकल के जैसे ही, और जब हम बोलते हैं कि वैसे ही क्लासिफाई करेंगे मतलब ऑब्वियसली रेट ऑफ ड्यूटी क्लासिफिकेशन निकालने के लिए वो ही यूज किया जाएगा, रेट ऑफ ड्यूटी मेन आर्टिकल का ही लगेगा, ठीक है। ये रूल 5 हुआ। एंड लास्ट रूल 6, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन द सब हेडिंग ऑफ हेडिंग शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ दो सब हेडिंग नोट्स एंड मुटेंडिस मुटेंडिस अबव टू द अबव रूल। यहाँ पे जो ऊपर के रूल्स हैं वो किस पे, सब हेडिंग पे भी अप्लाई होंगे, और सब हेडिंग जो होती है बेटा सेम लेवल पे कंपेरेबल होती है, सेम लेवल पे कंपेरेबल होती है, मतलब कि सब हेडिंग जो एक ही हेडिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब हेडिंग्स है वो कंपेरेबल है। दिस इंप्लाइज दैट अ सब हेडिंग कैन बी कंपेयर्ड ओनली विद अनदर सब हेडिंग विद इन द सेम हेडिंग, ठीक है। सो ये हुआ रूल नंबर 6, क्या था, क्विकली रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल 1 क्या बोलता है, टाइटल ऑफ सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर और चैप्टर्स आर फॉर ईज ऑफ रेफरेंस एंड डू नॉट क्लासिफाई, डू नॉट डिसाइड क्लासिफिकेशन। सो वॉट इज इंपॉर्टेंट, वॉट इज रिलेवेंट फॉर क्लासिफिकेशन बेटा, टर्म्स ऑफ हेडिंग, चैप्टर नोट, सेक्शन नोट्स आर रिलेवेंट। रूल 2A क्या बोलता है भाई, इनकम्प्लीट गुड्स हो, अनफिनिश गुड्स हो, अनअसेंबल गुड्स हो, डिसअसेंबल गुड्स हो, किसके जैसे क्लासिफाई करने का, यहाँ पे कंप्लीट गुड्स के जैसे क्लासिफाई करेंगे। ओहो हो, और 2B क्या बोलता है, यहाँ पे 2B बोलता है कि भाई एनी रेफरेंस टू मटेरियल और सब्सटेंस उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, कोई मिक्सचर कॉम्बिनेशन होंगे तो भी किया जाएगा। बट यहाँ पे मिक्सचर कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई करते हैं, मुझे क्या हो गया यहाँ पे ज्यादा आगे, एक से ज्यादा मेरे पास यहाँ पे हेडिंग आ रही है, तो उस केस में क्या किया जाएगा बेटा, उस केस में रूल 3 पे चले जाओ। 3A क्या बोलता है, प्रिफर स्पेसिफिक हेडिंग टू जनरल। ओके, 3A से भी 2-3 आंसर आ गए, तो 3B पे चले जाओ। 3B क्या बोलता है, जो देता है मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत सारे दे रहे भी है मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी भी नहीं समझ आ रहा, लेटर द बेटर पे चले जाओ। अब रूल 3 तक चले गए फिर भी कोई आंसर नहीं आया। रूल 4 अकिन रूल है, क्या बोलता है कि भाई जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आ रही है, इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग अप्रोप्रिएट टू द गुड्स टू विच देयर मोस्ट अकिन, सिमिलर गुड्स आप ले लो, नहीं हुआ फिर ठीक है भाई। रूल 5 स्पेशल बात करता है, पैकिंग की बात करता है, ठीक है। अब पैकिंग के लिए रूल 4 तक के हो गया हमारा एक बार।
रूल 5 बोलते हैं कि अच्छा यहाँ पे केसेस आए, कंटेनर्स आए मेन आर्टिकल के साथ, उसी के साथ क्लासिफाई कर दो, उसी के जैसा क्लासिफाई कर दो, जनरल पैकिंग हो, स्पेशल पैकिंग हो, कुछ भी हो उसी के साथ क्लासिफाई कर दो। बट यहाँ पे तो भाई ड्यूरेबल पैकिंग आ गई, यहाँ पे ड्यूरेबल पैकिंग आ गई और वो क्या है, रिपीटेटिव यूज के लिए, रिपीटेटिव यूज के लिए, तो फिर क्लासिफाई कर दो सेपरेटली, या पैकिंग मटेरियल खुद ही यहाँ पे क्या कर रहा है, एसेंशियल कैरेक्टर एज अ होल दे रहा है, तो उस केस में भी उसे सेपरेटली क्लासिफाई कर दे। एंड लास्ट वो क्या बोलता है कि भाई जो सब हेडिंग है उसको भी मुटेंडिस मुटेंडिस जो अबव रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, और सब हेडिंग जो है एट द सेम हेडिंग लेवल जो रहेंगे वो ही कंपेरेबल रहेंगे। अब ये हो गए हमारे क्या रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या देखे बेटा हमने, सबसे पहले यहां पे देखे जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स कितने थे, 3। फिर हमने देखे यहां रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भाई कितने थे, 6, ये हमने देख लिए। अब क्या हुआ भाई, इफ द नोट्स एंड हेडिंग डू नॉट कवर एनी गुड्स देन ट्रेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गुड्स इज कंसीडर। अब क्या हुआ भाई, ये सब चीजें करके भी मेरे को क्लासिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या है, ट्रेड परलैंस थ्योरी, ट्रेड परलैंस थ्योरी है कि भाई यहाँ पे नोट से हेडिंग्स डज नॉट कवर एनी गुड्स, तो फिर ट्रेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गुड्स जो है वो कंसिडर की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बेटा मैकडोनल्ड्स में हम जो आइसक्रीम खाते हैं, मैकडोनल्ड्स भी यही सोच के बेचता है कि भाई वो आइसक्रीम है, हम भी यही सोच के खाते हैं कि बढ़िया आइसक्रीम खा रहे हैं। अब उसे डेयरी प्रोडक्ट जैसे क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, उसे कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, जो भाई यहाँ पे सेलर और बायर जो समझ के खरीद बेच रहे हैं, जैसा ट्रेड में यहाँ पे माना जाता है उस गुड्स की यहाँ पे ट्रेड अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर क्या भी ट्रेड परलायंस थेरी ली जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, इसमें सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करी, कुछ भी मिस नहीं हुआ है, यहाँ पे जितना आपके मॉड्यूल में दिया हुआ था हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बेटा ये जो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझको कॉल कर रहे हो बेटा, मैसेज कर रहे हो, ये रिविजन सीरीज है बेटा, ये फुल कोर्स नहीं है। फुल कोर्स जैसे भी चाहिए वो प्लीज वेबसाइट पे जाओ, वहां से परचेज करो, और बेटा फाइनल लेवल पे हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट है अगर आपका तो आपको फुल कोर्स ही करना चाहिए। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी सब्जेक्ट की, बहुत जरूरी है एग्जाम में अपियर करने के लिए। ठीक है, ये जिन लोगों का जस्ट अभी अटेम्प्ट है, वो लोग रिविजन सीरीज के रिविजन कर रहे हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी बेटा एक बार क्लास ले चुके हैं। आपने जिन्होंने कभी क्लास नहीं की बेटा, आप पूरी क्लास करो, डिटेल में पढ़ो, पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे, ये सारी चीजें, पूरा हमारा जो 90 आवर्स है उसमें हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको बिल्कुल एग्जेम्पशन आए। ये 15 आवर्स सिर्फ रिविजन के लिए। ठीक है, तो जो कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझे फोन करके पूछा कि मैम सिर्फ रिविजन से हो जाएगा, तो बेटा आई पर्सनली से कि फुल कोर्स करना चाहिए, उसके बाद रिविजन आप एक दो बार करना चाहिए एग्जाम के पहले। ठीक है, और टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए, ये मेरा एक, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ ज्यादा पढ़ाई करने में, क्योंकि कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो जिनका अभी अटेम्प्ट है उन्होंने क्लासेस कर चुके हैं, वो रिविजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट है बेटा प्लीज मेरे को फोन करके मत पूछो, मेरा आंसर सबके लिए सेम रहेगा कि आपने फुल कोर्स करना चाहिए। यहाँ पे 90 आवर्स आपको ज्यादा नहीं होते बेटा, 90 घंटे ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, 90 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लो, कोई बुराई नहीं है, नॉलेज बढ़ेगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा पेपर लिख पाओगे, प्लस आप उसके बाद दो बार रिविजन करो, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लिखो, फिर आप एग्जाम में जाओ, एग्जेम्पशन नहीं आया तो मुझे बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू, थैंक यू फॉर नाउ।